Hey everyone, this is Sneha Gupta Recipes and Vlog Channel. और आज हम देखेंगे बिल्कुल soft, fluffy और बहुत ही tasty बिना oven के हम घर पे ही सूजी केक बनाने वाले हैं। जी हाँ, मैदे का केक तो मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हैं और ये मैं लेकर के आई हूँ ड्राई फ्रूट से भरा हुआ सूजी केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है सूजी, जो भी घर में सूजी हो उसे एक बार मिक्सी में चला ले ताकि वो थोड़ी बारीक हो जाए। तो 2 कप यहाँ पर हम सूजी लेंगे और जिस कप से सूजी लेंगे उसी कप से हम आधा कप बाइंडिंग के लिए मैदा ले लेते हैं। अब उसी कप से हम आधा कप मलाई ले लेते हैं, घर की मलाई है। मलाई नहीं है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल भी मैं डाल रही हूँ, इससे केक को बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिलता है। और साथ ही 1 कप भर के हम चीनी लेंगे यहाँ पर और इन सभी को अच्छे से एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपको पेस्ट मिल जाएगा। इस पेस्ट को अब हम डालेंगे सूजी वाले मिक्सचर में। अब इसमें जाएगा फ्रेश दही, तो लगभग 1/2 कप उसी कप से हम दही भी डालेंगे। तो सूजी में जब सूजी का केक हम बनाते हैं उसमें जब दही ऐड करते हैं ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब 1/2 छोटा चम्मच हम बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर केक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लगभग 1 कप दूध डालेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, हम थोड़ी थोड़ी बैचेस में डालेंगे दूध को। और इस तरह से कट एंड फोल्ड करके मेथड से हम इसे बैटर को बीट करेंगे। तो ये केक ऐसा है जिसमें मैं कोई भी एसेंस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। बिना एसेंस के ही ये केक आप बना सकते हो, बहुत बहुत ही टेस्टी। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। बिना कोई एसेंस के आप ये केक बना सकते हो। अब थोड़ी सी 2 पिंच हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि टेस्ट जो है वो थोड़ी बैलेंस हो जाए। आप चाहो तो यहाँ पे एसेंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर का यूज़ करें। अब यहाँ पर मैंने जो केक टिन लिया है उसे अच्छे से ग्रीस करके डस्ट कर लिया है। अब इसमें केक का बैटर डालेंगे, इसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे हम। अब यहाँ पे कुछ चॉप किए हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ता लिया है। इस तरह से मैंने देखिए इसे डेकोरेट कर लिया है। ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जब केक हमारा बन जाएगा तो आरव रिव्यू करने वाला है कि उसे ये केक कैसा लगा। प्री हीटेड अब पैन हम लेंगे, एज हम ओवन में नहीं बेक कर रहे इसे, तो कोई सा भी कढ़ाई ले, उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है मैंने और स्टैंड लगाया है। और केक को मैंने यहाँ पर लगभग 45 मिनट्स के लिए मैं इसे बेक करती हूँ पहले। आफ्टर 45 मिनट्स आप देख सकते हो केक अभी भी बीच में थोड़ा अभी और कुक होगा, तो इसे हम कवर कर देते हैं। और फिर से इसे मैं लगभग 1 घंटे बाद निकाली हूँ, मतलब ओवरऑल जो टाइम हमें लगा वो 1 घंटा लगा। देखिए केक अच्छे से बेक हो चुका है और इसे अब हम निकाल देते हैं जब तक ये ठंडा नहीं होता है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तब तक के लिए केक को अच्छे से कवर करके किसी कपड़े से रख दें ताकि ये सॉफ्ट बना रहे। केक का बेक करने का टाइमिंग थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी गैस के फ्लेम के ऊपर। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे मैं डीमोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। वाह, ये देखिए केक कितना अच्छा बना है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है हमारा केक। चारों तरफ से बहुत ही अच्छा बेक हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्लफी है, बिल्कुल भी कड़ा नहीं लग रहा है। और सूजी के केक को बहुत ज़्यादा बेक ना करें, नहीं तो वो बाद में जाके थोड़ा कड़ा हो जाता है। अब चलिए इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और देन आरव में बताएगा कि उसे ये केक कैसा लगा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। आरव को तो ये केक बहुत ही पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें अपनी एक्सपीरियंस। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें फॉर रिसेंट अपडेट्स। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बेहतरीन रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।